बताइए कि मतलब ये कि आपको कभी किसी ने भेजे फूल और आपको पता ना हो कि किसी ने भेजे? नहीं, एनोनिमस फ्लावर्स तो मुझे कभी नहीं मिले. मुझे पता होता था कि फ्लावर्स किसने भेजे. किसने भेजे? एनोनिमस क्या मतलब? एनोनिमस मतलब अननोन. अरे तो स्ट्रेंजर बोलो ना. हाँ यार, अननोन इतना मुश्किल. वर्ड के भी चार पांच लोग वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहे हैं और मैं वैलेंटाइन डे पे पकड़े जाने वाले आशिकों की वीडियोस का. वाह वाह वाह. अच्छा रोज मुझे ये बताएं, सच्ची मोहब्बत क्या मांगती है? जो जहन में आ रहा है वही बताइएगा. हमारे जो जहन में आ रहा है उससे तो शो बंद हो जाएगा. इसको सवाल को पहली मोहब्बत जो है वो मुकदमे की तरह होती है ना, खत्म होती है ना, इंसान को बाइज्जत बरी करती है. हाय हाय, तारीख पे तारीख मिलती है. एक चीज मैंने नोट किया, आप लोग इस बात से इत्तफाक करोगे, रेखा और सलमान खान इन दोनों के कवारेपन की वजह जो है वो बच्चन खानदान है. हाय हाय हाय. आंखें मजनू हो तो चाय भी लैला लगती है. आंखें मजनू हो तो चाय भी लैला लगती है. ये शेर होगी कि भाई फिट्टे मुंह उनके, फिट्टे मुंह उनके, फिट्टे मुंह उनके, दो मुंह हैं जिनके. वाह 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 वाह. फिर तो पूरी तकरीबन पूरी दुनिया पे फिट्टे मुंह. भाई एप्लीकेशन से भी अब जो है ना होशियारी का पता चलता है. अब लड़कियां जो होती है ना फेसबुक की प्रोफाइल वो लगाई हुई होती है सिक्योरिटी. घर वाले समझ रहे हैं यार लड़की कितनी वो है. इंस्टा की अलग है, थोड़ी सी सिक्योरिटी हटाई हुई है. जो खुलती है ना ये स्नैपचैट, क्योंकि उसपे कोई फैमिली वाला नहीं होता. आप ये लिख के ले लो, चैट पे इतने बड़े बड़े भालुओं के साथ तस्वीर लग रही होती है वो वाली. मैं आपको बता, और आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा. और किसी ने आपके साथ हरामीपन किया हुआ ना, उसकी शक्ल में हमेशा आप बोलेंगे कितना हरामी लग रहा है. खूबसूरत भी हो. नहीं, मैं प्यार लिखता रहा वो प्यास पड़ती रही. मैं प्यार लिखता रहा वो प्यास पड़ती रही. मैं प्यार लिखता रहा वो प्यास पड़ती रही. एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया. आए, 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 यकीनन वो शेफ होगी. That mosquitoes have 47 teeth. मस्कीटो क्या? मस्कीटो के मस्कीटो 47 होते हैं. मच्छर के 47 दांत होते हैं. 47 होते हैं. आपने गिने? लेकिन वो एक दांत से काम चलाती है, बाकी के 46 दांत सेव है इसके. अच्छा एक बार आपने कहा था मैं शादी जो आपको मुझसे प्यार नहीं है. नहीं, हो सकता हो गया हो, आपको बताया ना. मैंने आपसे एक शो में कहा था कि आप शादी किससे करना चाहती है, तो आपने कहा था जो करोड़पति हो. अगर करोड़पति नहीं मिला तो 50-50 लाख के दो चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम मुजीब बरकत भाई. वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई. और इलेक्शन गुजर चुका है, वोट वोट डाला. उसको तो छोड़े, पहले बताएं आपकी कैब कहाँ है? कैब वो गोल वाली काउबॉय कैब. यार दरअसल मसला ये है कि मैं एक कैब पहन के बैठ रहा हूँ ना, लोग समझ रहे हैं कि एक ही एपिसोड बार बार डाले जा रहा है. देखे ना ये, और देखे ये मैंने पीछे स्क्रीन भी चेंज कर दी है, ये भी चेंज कर लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए. और उसमें भाई आप भी एक ही सर लेके बार बार आ रहे हैं, ये भी तो आप चाह रहे हैं यही सर लेकर आऊं, आपको पसंद आ गया इस वजह से. तो भाई आप भी तकरीबन एक ही वही गोल्डन गोल्डन पे बोला भाई, बस इधर उधर हो जाता है डिजाइन इनका, सारे कपड़े एक ही जैसे तकरीबन. जैसे कि मैं सच बोलूंगा, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल. आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू. आपने इलेक्शन की बात की ना यार, अभी मैंने सबसे बेहतरीन इंतखाबी निशान जो देखा ना, एक आजाद उम्मीदवार का देखा. पता नहीं वो असली था या नकली था, लेकिन था बड़ा मजेदार. क्या था वो? था कबर. और उसकी टैगलाइन ये थी कि वोट दोगे तो भी आओगे, नहीं दोगे तो भी आओगे. वाह 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 वाह. और मैं आवाम से कहना चाहता हूं, अब तो वैसे इलेक्शन गुजर चुके होंगे जब ये हमारा एपिसोड ऑन एयर होगा, आवाम से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अगले साल सर्दी में सिर्फ आपके गाल और होठ फटे, तो इस दफा वोट का सही इस्तेमाल करें. कपड़े ना फटे, कपड़े. कपड़े कपड़े ना फटे. मीमर्स तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम यहाँ तक लगा. रियली अप्रिशिएट. अच्छा दूसरा बरकत भाई, ये वैलेंटाइन डे भी तो आने वाला है. हम तो नहीं मनाते भाई. हम तो मनाते नहीं. लोग वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहे हैं और मैं वैलेंटाइन डे पे पकड़े जाने वाले आशिकों की वीडियोस का. वाह 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 वाह. वो बड़ा मजा आता देखने में. देखो मोहब्बत की सिचुएशन बता रहा हूँ, वैलेंटाइन डे के हवाले से बात हो रही है. अब आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई मेरी वाली जो है ना कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ती, मैंने उसे हर आईडी से आजमा कर देखा है. रिलेटेड हर चीज से बहुत प्यार करता हूँ. व्हाट एडजस्टमेंट घुमाया कैसे आप? घूमना देखे. और इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा. मैं कहना चाहता हूँ कि पहली मोहब्बत जो है वो मुकदमे की तरह होती है ना, खत्म होती है ना, इंसान को बाइज्जत बरी करती है. तारीख पे तारीख मिलती है. लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जो इतनी देर से वैलेंटाइन डे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मनाते. अल्लाह ना करे. नहीं नहीं भाई, हम इस पे क्रिटिसाइज करते हैं. और क्रिटिसाइज करने के लिए हम तो यार कुछ भी नहीं मना सकते ना मनाते हैं. कल मेरा दिल जा रहा था बड़े दिनों बाद कि बस में सफर करूं. मैं चला गया, एक सीट खाली थी, मैं उस पर बैठ गया. एक बंदा आया, उसने जेब में से मोबाइल निकाला और उस पर कौमी तराना लगा दिया. मैं रामन खड़ा हो गया, वो मेरी सीट पर बैठ गया. क्या वैलेंटाइन डे खाक मनाएंगे?
देखे हम तो गप्पे लगाते ही रहेंगे लेकिन टुडे इज ओवर होस्ट इज वेरी स्पेशल. कौन है? द वन एंड ओनली. आप दोनों की ठरक में तशरीफ लाती है रोज. रोज अरे यार रोज बहुत ही कोई बुरा इंट्रोडक्शन नहीं रोज. जन्मों की तुमने रियाज. रोज मैं एक बात कहना चाहता हूँ. जब तुम है रोज जब तुम शो में आती हो ना दिल से कह रहा हूँ बिलीव करो बहुत सारी चीजों में जान आ जाती है. वाह वाह वाह. माहौल में जान आ जाती है. लाइटिंग में जान आ जाती है. हाँ और इसी बात को मैं अगर आप इजाजत दें मैं आपको एक बात डेडिकेट करना चाहता हूँ. मैं कहना चाहता हूँ कोरोना की वबा और आपकी अदा दोनों ही जानलेवा साबित हो सकती है. हाय 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 कि भाई इसी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ पिंचू जी कि आंखें मजनू हो तो चाय भी लहला लगती है. आंखें मजनू हो तो चाय भी लहला लगती है. ये शेर हो गया. अरे तेरी शेर हो गया यार. आंखें मजनू हो तो चाय भी लहला लगती है. वाह वाह. उर्दू तर्जुमा था उस इंग्लिश एक लाइन है दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. क्या मतलब ये कह रही है? बरकत तू मेरी जिंदगी के आखिरी सरमाया हो. और चाय की बात हो रही है आपको पता नहीं है सरमाया जाया कर चुका है. और मैं आज ही जाया करके आया हूं. मैं थकावट सा खरीद लेता है. और इसी चाय को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा अगर आप लोग इजाजत दें कि चाय का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगते हो. चाय का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगते हो. चाय का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगते हो. मेरी तरह तुम भी चाय के दीवाने लगते हो. आए हाय हाय हाय. पहली बात तो ये वो दीवाना नहीं है वो दीवानी है. और किसकी दीवानी है वो? हाय 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 के भाई फिट्टे मुंह उनके दो मुंह हैं जिनके. वाह 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 वाह. फिर तो पूरी तकरीबन पूरी दुनिया पे फिट्टे मुंह भाई. ये आपने मुंह कहां से गिना ये बताइए? दो मुनाफिक के दो मुंह हैं. वो मुनाफिक के दो मुंह. एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं. करें सर करें. पहली और आखिरी बार कर रहा हूं. हां या आपके हुस्न पे कर रहा हूं. कि चल गया होगा पता ये आपको. चल गया होगा पता ये आपको. चल गया होगा पता ये आपको. बेवफा कहते हैं लड़के आपको. चल गया होगा पता ये आपको. बेवफा कहते हैं लड़के आपको. एक जरा से हुस्न पर इतनी अकड़ तू समझती क्या है अपने आप को? यार एक सेकंड आप लोग इतनी देर से बोल रहे हैं ये हम कपल को मौका नहीं देंगे आप. अरे कपल नहीं है चप्पल है. अरे दोस्त कपल नहीं होता क्या? तो ये हम दोस्त. अच्छा मुझे ये बताएं वैलेंटाइंस डे हम क्रिटिसाइज करते हैं इस दिन को. आप तो नहीं मनाती क्योंकि लड़कियां पागल हो जाती है इतने बड़े बड़े भालू के साथ तस्वीरें डालनी है स्नैपचैट पे. ये मुझे सरासर वो क्या कहते हैं ना इंसाफी लगती है कि आप आपको पूरे साल में 365 डेज में आपको एक ही दिन मिलता है जिसमें आप मदर्स डे करते हो फादर्स डे करते हो वैलेंटाइंस डे करते हो. तो आप पूरा साल उन रिश्तों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? वाह वाह. अरे भाई इतने बड़े बड़े भालू कतर एयरपोर्ट से उठा के लाई है. कतर एयरपोर्ट पे भालू में फिर जान भी आ गई जब घर तक लाए ना. तो मैं ये कह भालू भालू बोल नहीं बाद में हाथ पकड़ के चल रहा था. ऐसे नहीं है कि वैलेंटाइंस डे के कभी फूल नहीं मिले या ऐसी चीजें. अब जाहिर सी बात है इंसान मैच्योर होता है एज के साथ. So, हो सकता है वो अभी उस फेज में हो कि उनको लगता है कि बस 14 फरवरी ही अगर मेरे आशिक ने मुझे विश नहीं किया तो बस दुनिया खत्म. अच्छा अच्छा वल आप एक बात पे एग्री करेंगे मेरी? क्या 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 बताएं? प्राइवेट स्कूल की इंग्लिश की जो टीचर होती है ना बिल्कुल ऐसी होती है. ये देखिएगा. सही बात ये जबरदस्ती पढ़ने का दिल चाहता है. रोज ये बता दें वन लाइन में कि वैलेंटाइन डे है कि हमने तो कभी मनाया ही नहीं और ना मनाना चाहिए. हमें तो पता नहीं क्या है यार. बस ये है क्या इसके ये सो कॉल्ड एक आशिकों का दिन है. हमारा तो हर रोज आशिक का दिन है हमारा. अच्छा ये आशिकी किसी के साथ भी हो सकती है? इसमें कोई एज है कोई रेंज है? बेसिकली जरूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की ही वो. हाँ अंकल आंटी भी हो सकते हैं. अच्छा। भाई लड़का आंटी भी हो सकते हैं अंकल लड़की भी हो सकते हैं. आप अपने फॉर एग्जांपल बेस्ट फ्रेंड से भी आप प्यार करना इट्स नॉट लाइक एक ही तरीके का प्यार. नहीं 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 वो आपको वेरिएशन अगला बता के बैठे को और भी के साथ प्यार. अच्छा ये दोस्तों के साथ. अच्छा ये देखिए. अच्छा अच्छा इसमें बताना पड़ता है आपकी सोच से. आपकी सोच से फिर इसमें बता. ये कह रहे हैं ये इसमें बताना पड़ता है. मतलब कि पार्क में आ जाओ गाड़ी में आ जाओ बाइक पे आ जाओ आपकी पोजीशन क्या है? हाँ आप किस समय खड़े हैं? आपका गूगल क्या बता रहा है? आई डोंट थिंक दैट वैलेंटाइन्स इज सिर्फ एक ही तरीके के लव रिलेटेड है. एक तो नंबर वन आई डोंट थिंक ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट. मैं कहता था ना कि रोज ऐसी नहीं है. मैं कहता था ना आप दोनों को तो. हाँ तो तू कहता रहे वो पता नहीं कैसी भी हो बहुत अच्छी बात है. रोज ये बताइए कि मतलब ये कि आपको कभी किसी ने भेजे फूल और आपको पता ना हो कि किसने भेजे?
नहीं, एनोनिमस फ्लावर्स तो मुझे कभी नहीं मिले. मुझे पता होता था कि फ्लावर्स किसने भेजे. किसने भेजे? एनोनिमस क्या मतलब? एनोनिमस मतलब अननोन. अननोन, अननोन. अरे तो स्ट्रेंजर बोलो ना. हाँ यार, अननोन इतना मुश्किल. वर्ड के भी चार पांच. हाँ यार, ने कह दिया कि इंग्लिश स्कूल की टीचर लग रही है तो वो तो वही करेगी. इंग्लिश तो बोलेगी, हम लोग को कंफ्यूज करेगी. अच्छा अब ये, अब ये बात सच है कि एप्लीकेशन से भी अब जो है ना होशियारी का पता चलता है. अब लड़कियां जो होती है ना फेसबुक की प्रोफाइल वो लगाई हुई होती है सिक्योरिटी. घर वाले समझ रहे हैं यार लड़की कितनी वो है. इंस्टा की अलग है, थोड़ी सी सिक्योरिटी हटाई हुई है. जो खुलती है ना ये स्नैपचैट, क्योंकि उस पर कोई फैमिली वाला नहीं होता. आप ये लिख के ले लो यार, ये जो ये स्नैपचैट पे इतने बड़े बड़े भालुओं के साथ तस्वीर लग रही होती है वो वाली मैं आपको बता रहा हूँ. और वो चॉकलेट्स भी तो आती है ना, कुछ चॉकलेट्स भी आती है. डेरी मिल्क, डेरी मिल्क. अबे कोई सी भी मिल्क हो, डेरी मिल्क नहीं, डेली मिल्क है. चॉकलेट भी तो आती है. डेरी मिल्क से तो अच्छा है कि आप खालिस दूध पी लें. हमें क्या बताओ उस चॉकलेट में दूध है नहीं. अच्छा खालिस दूध पिए भाई. फजूल में कैलोरीज खाओ. हैं हाँ फजूल में. हाँ आदमी मोटा हो जाता है. एग्जैक्ट. अच्छा आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं. और आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना, और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा. और किसी ने आपके साथ हरामी बन किया हुआ ना, उसकी शक्ल में हमेशा आप बोलेंगे कितना हरामी लग रहा है शक्ल, खूबसूरत भी हो. नहीं, मोस्ट आई थिंक मोस्ट लोग हेटर्स भी होते हैं. आप देखें आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा लोग व्यू करते हैं, लेकिन जब आप कोई पोस्ट लगाते हो तो लाइक्स कम आएंगे. स्टोरी पे व्यूज ज्यादा आएंगे, मतलब देखेंगे सब. क्या बात, उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो आपकी लिस्ट में हेटर्स भी ज्यादा है. अच्छा रोज एक हेटर्स. अच्छा रोज एक सवाल है, पब्लिक का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ये बताओ, लोगों ने कहा कि रोज से पूछना, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा रोमांटिक कब होती हो? सुबह को, दोपहर को, शाम को, या रात को? रोमांटिक इज नॉट के आप वैसे रोमांटिक हो रहे, रोमांटिक इज लाइक अच्छा मौसम है. अच्छा मौसम है, हो रही थी सैटरडे को, दैट वाज सो रोमांटिक. तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? सो रोमांटिक. लाइक मुझे दिल कर रहा था कि मैं पकोड़े खाऊं. अच्छा लेकिन बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो. रोमांस में पकोड़े, रोमांस में पकोड़े कौन सा आ गई? लेकिन अहमद रोमांस में तो बंदा पकोड़ा जैसा बन जाता है. मतलब बारिश देखो और पकोड़े खाओ. अच्छा ये भी एक रोमांस है. लेकिन मैंने बारिश देखते हुए केक खाया था. लेकिन बड़े मूसलाधार बहुत तेज बारिश थी ना, वो तो बह जाने वाली बारिश थी कराची में. उसको जमी भी बारिश की बात करो, ऐसी बारिश का वो तो हल्की हल्की जब बारिश हो रही होती है वो उसका माहौल अलग होता है. और जो बिजली चमक रही होती है उसका अलग होता है, और जिसमें आंधी चल रही होती है उसका अलग होता है. कौन से वाले में आपका कौन सा गाना कौन सा चल रहा था? आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो. नहीं वो बर्थडे थी. अरे वो कुंवारी है यार. अरे तो आपको पता है कुंवारे होने का फायदा क्या है? क्या? बंदे की कमर में दर्द नहीं होता. अच्छा. और तुम्हारी हूँ, तुम्हारी थी, तुम्हारी रहूंगी, ये मैसेज हमें कब आएगा यार? आप देखो एक बाबा, एक चीज मैंने नोट किया, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, रेखा और सलमान खान इन दोनों के कुंवारेपन की वजह जो है वो बच्चन खानदान है. हाय हाय हाय, आपकी कवारेपन की वजह क्या है? कौन सा खानदान है? आवारापन है, कन्नापन है, फरकपन है. अच्छा ये बताओ, ये बताओ टाइप की कोई, इनके टाइप की कोई बनी नहीं है. एक बात मुझे बताएं रोज, आपने किसी को वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट दिया हो? हाँ. और वो गिफ्ट उसने आपने जो गिफ्ट आपने जो दिया हो, आवाज कर रहा हूँ. हाँ. चाबी वाला बच्चा, चाबी वाला खिलौना जो आप सोच रही वो भी ठीक है. चाबी वाला बच्चा आपने किसी को दिया? एक टाइम पे मैंने ये, मैं आई थिंक दो साल पुरानी बात, ये बच्चा चाबी वाला नहीं, मैंने जो वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट दिया था, बहुत बड़ा एक 100 रोजेस का बुके दिया था मैंने. 100 रोजेस का बुके, ये कितने का था? वो बस था. अच्छा अच्छा, ये आपने गिने थे 100 थे? हाँ, मैंने खुद बनवाया था. अच्छा खुद बनवाया था अपने सामने, अपनी निगरानी में? हाँ, मैं और जिसको दिया था वो भी आपकी निगरानी में था? बिल्कुल. ओहो, यानी निगरा हुकूमत थी. निगरा हुकूमत थी. और अच्छा रोज एक बात बताएं, आप बड़ी इंटेलिजेंट हैं और आप ये वैलेंटाइन डे और शादी वादी की बात हो रही है, ये बताएं वो क्या चीज है अगर जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं होता? हाँ वो तो वही मेरे ज़हन में आ रहा है जो मैं नहीं, 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 गलत बात नहीं कर रहा. जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं होता. वो क्या चीज है जो जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं होता? चलो मैं इसे आसान कर देता हूँ. और अगर जिस्म में हो तो जनाजा नहीं होता? मैं बोलने वाली थी. बहुत मुश्किल है. रूह, रूह. वाह, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ा. वाह 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 भाई, आज तो वैलेंटाइंस डे को क्रिटिसाइज करने का दिन है, तो मोहब्बत से रिलेटेड सवाल होंगे. आप पूछ ले ना जब कर रहे हैं तो. अच्छा रोज मुझे ये बताएं, सच्ची मोहब्बत क्या मांगती है? जो ज़हन में आ रहा है वही बताइएगा, हमारे जो ज़हन में आ रहा है उससे तो शो बंद हो जाएगा. इसको सवाल को अच्छा सवाल को आगे कर देते हैं थोड़ा सा, कि सच्ची मोहब्बत क्या मांगती है और किस किस टाइम मांगती है? हाँ, किस किस तरह मांगती है? किस किस तरह इम्तिहान कैसे लिखती है? बेसिकली सवाल ये वाले सवालों, क्योंकि अभी मैंने एक न्यूज देखी थी, मैंने एक न्यूज देखी थी कि लाहौर में किसी लड़की का निकाह होने पे जो उसकी महबूबा थी 3 साल का इजी लोड वापस मांग लिया.
आपका ब्रेकअप हुआ ना, अब आप हिसाब लगा रही है ना कितना खर्च हो गया था, कैलकुलेटर लेके बैठ गए, ऐसा हुआ है? बहुत ही बगैरती वाली बात। किसी को किसी कोई आपने अगर तोहफा दिया है तो फिर तो वो आपने दिल से दिया है ना, तो ये क्या जब आपका फड्डा हो गया तो आप कह रहे हो नहीं मेरी चीजें वापस दे। अच्छा देखिए ये कितनी अच्छी बात है, हर बात को ऐसे क्लियर कर रही है जैसे अक्वामे मुत्तहिदा में स्पीच कर रही है। हाँ, जैसे ये इसको भी अवार्ड मिलेगा। तरीका अच्छा, ये बात सही कि लड़कियों का इजी लोड मांगने का तरीका यही होता है कि जानू अब मैं कल कॉल करूंगी पैकेज कराने के बाद। यार अब तो वो दौर ही चला गया, अब तो व्हाट्सएप आ गया। अच्छा रोज साहब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल ही पब्लिक का सवाल है जो मैं आप लोगों तक रख रहा हूँ। क्या ये बात सच है, कहते हैं कि औरत पैसों पर नहीं मरती, और ये बात भी अमीर औरतों ने फैलाई है? आप लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे। आप देखिए औरत का मतलब क्या है, एन वाओ रे ते, औरत का मतलब क्या है? एन से अकलमंद, वाओ से वफादार, रे से राजदार, ते से ताबेदार। और मर्द का क्या मतलब है? मीम रे दाल। क्या मीम रे दाल? मर्द का क्या मतलब है? मीम से मजबूत, रे से रोजी कमाने वाला, दाल से दिलेर। वाह वाह वाह, मैं दाल से आप भी हैं लेकिन दिलेर नहीं है। दाल से आप वो हैं दलिया खाने वाले। हाँ, दलिया खाते बड़े शौक है। दाल से दिल वाले, दिल वाले भी हो सकता है, दिल वाले, पैसे वाले, हौसले वाले, हिम्मत वाले, हिम्मत वाले, हिम्मत वाले, हिम्मत वाले। और ये है कि रोज मैं नोट कर रहा हूँ कि पिछले आधे घंटे से तुम्हें शेर बोलना चाह रही हो। हाँ, शेर बोलना चाह रही है, लेकिन इनको देख के मुझे एक शेर याद आ गया कि तुम के भाई तुम पे नहीं मरते, तुम पे नहीं मरते, तुम पे नहीं मरते, मरते हैं उन चार पर, नास पर, अंदाज पर, रुखसार पर, गुफ्तार पर। ओह माय गॉड, क्या बात है। इसी बात को कंटिन्यू करूंगा फिर आप पे छोड़ देंगे शो, कि मैं प्यार लिखता रहा वो प्यास पड़ती रही, मैं प्यार लिखता रहा वो प्यास पड़ती रही, मैं प्यार लिखता रहा वो प्यास पड़ती रही, एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। यकीनन वो शेफ होगी भाई। प्यास और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, रुलाना। वाह हाय 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 हाय, इन दोनों को जाने दो, हम अपना ना एक अलग वो लगा लेंगे, अलग ही पॉडकास्ट कर लेंगे। मैं समझा, कह रहा अलग घर बनाएंगे किसी पहाड़ी पे। एक शेर यार वो कहना चाह रही है, शेर कहना चाह रही है भाई। आप बोले एक शेर बोले आप। बात पर इसके है कि दवा भी चल रही है, मर्ज भी बढ़ रहा है, दवा भी चल रही है, मर्ज भी बढ़ रहा है, दवा भी चल रही है, मर्ज भी बढ़ रहा है, न जाने कौन मेरे मरने की दुआएं कर रहा है। कि तेरे सीने पे सर रखा तो ये राज खुला, तेरे सीने पे सर रखा तो ये राज, सीने पे सर रखा तो ये राज खुला, तकियों को जरा और नरम होने की जरूरत। नहीं नहीं, लेकिन उसमें भाई ये शेर लड़की ने सुना है लड़के को। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसे बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था, लड़का बॉडी कर ले, पब्लिक समझ गई पब्लिक समझ गई, लड़का बॉडी बिल्डर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आपको शो आगे नहीं जाएगा भाई। शोभा आप पे, ओवर टू यू, आप पे, कि बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कह गया, बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कह गया, बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कह गया, बहुत कुछ कहते कहते बहुत कुछ रह गया। हाय हाय हाय, और तू इस चक्कर। वाह रोज, वाह रोज, ये शेर तुमने खुद लिखा है? नहीं, ऐसा कोई शेर मैंने। अच्छा, उन्होंने सुनाया है, तुमने नहीं सुनाया, आप अपना सुनाया यार। एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके। औकात नहीं जमाने में जो मेरी, आपकी कीमत हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। हाँ, कम वक्त इश्क में क्या गिरे, मुफ्त में नीलाम हो गए, में क्या गिरे, मुफ्त में नीलाम हो गए, जाने लिया याद आ गए। वाह वाह रोज, तुम कितनी गहरी हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त आया है जो गंदे गंदे लतीफे सेंड करता हो? मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम नहीं लेना। मैं देखने वाली थी गंदे लतीफे यार। अच्छी लड़कियां सेंड करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन रोज तो बड़े अच्छे मैसेजेस करते हैं। नो डाउट, नो डाउट। इस बात के हम गवाह हैं, गवाह हैं। आपने कहते हैं? नहीं, इसके मुझे दिखा देख रोज का है। इस तरह के मैसेज, इतने अच्छे मैसेज करती है, उससे ऐसा लगता है यार हम लोग मुसलमान नहीं है, शायद हमें इस मैसेज देख के होना पड़ेगा। नहीं, बड़े तालीमी मैसेज करते। मैं आपको एक बात बताऊं, रोज का यहाँ पे आने का एजेंडा क्या था? क्या इसने बोला, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ शो में आप लोगों के काम की बात नहीं हो रही, तो रोज कुछ फैक्ट्स निकाल के लाइए। अच्छा 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 अच्छा, फैक्ट्स को रोज आप प्लीज हमें जरा कुछ वो करें, नॉलेजेबल करें, नॉलेजेबल। हाँ, नया वर्ड निकाल दिया। ये एक बहुत ही एक आई डोंट नो, मुझे तो ये बात आज पता चली दैट मस्कीटोज हैव 47 टीथ।
मॉस्किटो क्या मॉस्किटो मॉस्किटो 47 होते हैं, मच्छर के 47 दांत होते हैं, 47 होते हैं आपने गिने, लेकिन वो एक ही दांत से काम चलाती है, बाकी के 46 दांत सेव है इसके। I don't know, but that is ये होते क्या इतने से मच्छर में यार, यही तो समझ नहीं आ रहा है। वो दांत भी ऐसे नुक्ते होते होंगे, हाँ ऐसे ही होंगे, राइट ऐसे ही होंगे। एंड अगर कंफर्म वो मच्छर ही हाँ बनानास खाए हुए हो तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मस्कीटोज आर मोर अट्रैक्टेड। अच्छा अच्छा, और अगर छिलके के बगैर खाएं, अब ये नहीं ट्राई कर लेना, ये ट्राई करने के बाद ही बता रहा है। एक सेकंड, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, अगर आप बनाना खाते हैं तो मच्छर आपको ज्यादा काटेंगे। Exactly. क्योंकि बनाना मच्छर के फेवरेट है, बनाना मच्छर के फेवरेट है, इसका मतलब ये हाँ ना हाँ। अच्छा और अगर आपको वेट लूज करना है तो आप एप्पल्स और बनानास को मोबाइल पे लगा हुआ था, इसको भी सूंघ सकते हैं। वैसे ये अजीब नहीं लग रही, अगर आपको पतला होना है तो आप एप्पल और बनाना सूंघे, और मोटा होना है तो क्या सूंघे। अच्छा ये तो मजाक की बात है, लेकिन वाकई जो एप्पल है, एक तो वो तो इंग्लिश की कहावत है ना, एप्पल हेड कीप्स द डॉक्टर। अच्छा, लेकिन एप्पल सूंघने से जो है ना आपके अंदर की बीमारियां खत्म। वाह 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 वाह, वाकई यार, सुबह से सूंघने से अल्लाह ताला ने इतनी कुदरत रखी। या तो खाने से फिर तो और फायदा तो और मिलेगा। कहते अगर एक वो अगर सेब इंसान खाए ना तो वो डॉक्टर से दूर रहता है, और डॉक्टर की बीवी अगर सेब खाई, ये भी एक बीच में हुआ था, वो क्या करेगी बेचारी, तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। नहीं। वो तो उसका हस्बैंड उसके पास ही नहीं आ सकता ना, क्या करेगी। अच्छा उसके आगे यू नो यू कैन फॉल इन लव इन 4 मिनट्स। या क्या मतलब 4 मिनट में? एग्जैक्टली 4 मिनट में आप प्यार में पड़ सकते हैं। कैसे? कॉन्टैक्ट, और मतलब अगर आपको कोई इंसान अच्छा लगा तो आपका दिमाग 4 मिनट में ये रजिस्टर कर देगा कि मुझे ये इंसान अच्छा लगता है। 4 मिनट ये बहुत नहीं बता रही। होय होय होय। अच्छा लेकिन रोज मैंने एक जगह पढ़ा था ये बात सही कि कुछ लोगों के दिमाग की जगह कैलकुलेटर होता है, वो हाथ मिलाने से पहले नफा और नुकसान का पता कर लेते हैं। वो तो फिर वो हो गए ना, मतलब ही हो गए ना, मतलब 4 मिनट में कैसे प्यार, मतलब आपके अच्छा आप क्या समझते हैं अगर कोई इंसान क्या चीज है कि हम 4 मिनट आपको देखेंगे और 2-2 मिनट बांट लेंगे। देखिए अगर अगर आपको मुझसे प्यार होता तो अभी तक मतलब हो जाना चाहिए था, बिकॉज मैं इतनी दफा शोज में आई हूँ। अच्छा एक बार आपने कहा था मैं शादी तो आपको मुझसे प्यार नहीं है, हो सकता हो गया आपको बताया पता नहीं। मैंने आपसे एक शो में कहा था कि आप शादी किससे करना चाहती है, तो आपने कहा था जो करोड़पति हो। हाँ। अगर करोड़पति नहीं मिला तो 50-50 लाख के 2 चलेंगे। और आप देखिए बाहर के मुल्कों में अंग्रेज लोग जो है वो इतने किस और इतने हक करने के बाद भी उन्हें आपस में मोहब्बत नहीं होती। और हमारे होता था कि स्कूल में क्लास में किसी लड़की ने पेंसिल मांग ली, रातों की नींद हराम हो जाती, पॉइंटर मांग लिया यार, इतने सारे ये शैतान बहकाता है कि यार 4 मिनट में कैसे आपको कभी 4 मिनट। अच्छा 4 मिनट दिस इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन ना, एक स्टडी के फैक्ट पे मैं बात, ये स्टडी है ये। अच्छा, आप लोग नहीं समझेंगे बरकत भाई, आप लोग नहीं समझेंगे, मैं नहीं समझा, स्टडी थोड़ी बात है, बहुत बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। दिस इज लाइक अ फैक्ट, जैसे ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप अपने मन पसंदीदा इंसान की तस्वीर देखें तो वो एक नेचुरल पेन किलर इफेक्ट देती है आपके दिमाग। बरकत भाई तो आप तस्वीर देख के क्या करते हैं, ये तो वही पसंदीदा इंसान की, यार इनसे नहीं बचो कुंवारे हैं ये। आप 4 मिनट का कह रही है ना कि प्यार हो जाता है और देखने से, अगर आप उस बंदे को 3 मिनट 59 सेकंड तक यानी प्यार तकरीबन ये और आप चली गई 1 सेकंड रह गया, फिर क्या होगा? अरे यार ये मतलब वो अंदाजा है, ये इंसान मतलब इंसान का दिमाग ऐसे फंक्शन करता है, जैसे हमारे दिमाग की जो जैसे गलियों में फंक्शन होता है ना, 800 रुपए वाले यार 1 सेकंड यार मैंने भी क्या फैक्ट्स यहाँ पे, सॉरी फैक्ट्स हो ही नहीं सकता। आप प्लीज आप अगला फैक्ट हो ही नहीं सकता, आप अगला फैक्ट करें, आप अगला आपके ह्यूमन मतलब जो ब्रेन है उसकी जो वेव्स है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पावर कर सकती है। क्या? आवर ब्रेन की वेव्स आर सो स्ट्रांग दैट दे कैन पावर अप एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ ये बल्ब जल सकता है, मतलब यू हैव दीज अमेजिंग ब्रेन वेव्स। यार मैंने एक फिल्म देखी थी लूसी, उसमें एक कैरेक्टर था लड़की का, तो उसका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकती थी, वो गायब हो सकती थी। अच्छा इस बात को आप मान भी सकते हैं, पूछे क्यों, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था उसका दिमाग कितना यूज हुआ था, और उसका तो आईक्यू भी कम था, तो कितना यूज हुआ था उसका दिमाग, उसका 150 रुपए तक, नहीं नहीं तो उसका दिमाग 0.7 हुआ था यार, और वो बिग बैंग तक पहुंच गया।
और उसका आईक्यू भी कम था। आईक्यू इतना तेज था यार, यानी जो हम सोच सकते हैं वो हो सकता है। अभी मैं सोचूं यहाँ पे मेरे 1,00,000 रुपए हैं, तो ऐसा हो सकता है? होंगे क्योंकि तुझे शो के बाद देने बांटने हैं। दुनिया की सबसे लंबी हिचकी वो 60 ईयर्स। हाँ? नहीं ना, मतलब कैसे हिचकी? यू 60 साल तक आती रही। 60 साल तक 60 years, the longest hiccup. मतलब हिचकी आती रही anytime सोते हुए भी जागते हुए भी। Exactly. यानी ये तो बहुत बहुत लंबी फेंकी है। तो सामने वाले को भी लगी होगी ये हिचकी है। अच्छा ये हिचकी अछूत की बीमारी तो नहीं होती, लग तो नहीं जाती दूसरे को? I don't know, it was the longest हिचकी, जैसे आज मुझे पता चला कि अच्छा ये बंदा है 60 साल तक कर रहा है। I'm sure वो इतनी rapid अबे ऐसा नहीं होंगी। हाँ सिस्कियां होंगी। सामने वाला पता नहीं क्या समझे यार, क्यों वहाँ पर ये झूठ है। This is झूठ news। ये सिस्कियां है, ये सिस्कियां होंगी, झूठ है। अच्छा फिर झूठ है यार। Next please, next facts बयान करें। Next कोई लंबी लंबी यार, ये please ये गंदे गंदे facts नहीं लाएं please। गंदे facts मतलब वो वाले सिस्कियां नहीं लाएं। 60 years तक उसको hiccups हुई थी। दूसरी अच्छा, I got to know today that dead people can also get goosebumps। ओह क्या कह रही है? जब शादी नहीं हो रही। मुर्दे को अपना मसला है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ जिंदा लोगों के इतने हालात खराब हैं, किसी न्यूज पे उनके रोंगटे खड़े खड़े हैं, इग्नोर कर देते हैं ये। भाई आपने जो इतनी नसीहतें वसीयतें ये सब की है ना, जिसमें मुझे जॉन एलिया का शेर याद आ गया। क्या क्या कि ठीक है ठीक है खुद को हम बदलते हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। वाह 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 वाह। रोज तुम्हारे भी फैक्ट्स खत्म। हाँ। और हमारे अगर फैक्ट्स अगर तुम्हें पता लग गए। हाँ। तुम शायद शो में ना हो। हाँ। ये भी एक फैक्ट है। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ इस बात पे। कहते हैं कि एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है, कहते हैं एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है जिसे लोग जीत कर तोड़ देते हैं। एक बात और यार, दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसकी तलाक याफ्ता बेटी से कोई शादी कर ले, लेकिन कोई बाप ये क्यों नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई तलाक याफ्ता औरत से शादी कर ले। वाह 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 वाह, ये किस मुआशरे में जी रहे हम रोज? बहुत ही बुरे मुआशरे में जी रहे। ये क्या हो रहा है? मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम जो आज निकाल के लाई है फैक्ट्स। बरकत भाई चाहिए हमें और कंटिन्यू करने पड़ेगा। करना तुम लोग कोई भी करो, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को जरा सीरियसली आ जाए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, भरोसा। और जितनी जिम्मेदारी के साथ हम उल्टी चप्पल को सीधा करते हैं ना, अगर हम खुद को सीधा कर ले तो दुनिया जन्नत बन जाए। हाय हाय यार, ये बड़ा करते हैं, उल्टी चप्पल सीधी कर दो, अपने आप को सीधा नहीं करेंगे। अपने आप को सीधा नहीं करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ रोज साहब, ओवर टू यू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, खुद को अवेलेबल नहीं, मैं कहना चाहता हूँ खुद को अवेलेबल नहीं, वैल्यूएबल बनाओ। वाह वाह वाह, आपके स्टेटस पे अवेलेबल लिखा हुआ है, ये चेंज करें ना आप ये। नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस पे। हाँ, वो अवेलेबल लिखा हुआ था। और मैं कहता हूँ कि किसी को इतनी इज्जत ना दो कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना फर्ज समझे। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक है। हजारों नामुकम्मल हसरतों के बोझ के तले ये जो दिल धड़कता है कमाल करता है। आए हाय हाय हाय, तुम्हें क्या मसला है बताओ ना, मसला क्या है? वाह वाह, तुम्हारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, बताओ। हमारे भाई वाला कान खराब है। इसी बात पे शेयर करने जा रहा हूँ कि मिजाज तेज ही सही मगर दिल साफ रखता हूँ। मिजाज तेज ही सही मगर दिल साफ रखता हूँ। मिजाज तेज ही सही मगर दिल साफ रखता हूँ, लोगों के दो चेहरों का मुकम्मल हिसाब रखता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुनाफिकों का फेस वॉश जल्दी खत्म हो जाता होगा, क्योंकि इनके इतने सारे चेहरे होते हैं। कितने चेहरे धोते होंगे यार? हाय 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 हाय। I think वो बिल्कुल एक रावण वाला फेज आया हुआ, because दो चेहरे तो नहीं है लोगों के, कोई अनगिनत चेहरे हैं। धोखा, तुम्हें धोखा मिला है? देखिए हर इंसान को ना कहीं धोखा तो मिलता है। वाह 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 यार, आज बहुत उदास है, मैं इतना बता, बहुत उदास है। मोहब्बत हमको तुमसे हुई थी सो हो गई। मोहब्बत हमको तुमसे हुई थी सो हो गई। बस मोहब्बत हमको तुमसे हुई थी सो हो गई। हम नसीहत छोड़िए, साथ दीजिए या मार दीजिए। हाय 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 हाय, तो आप क्या बात है, क्या बात है। रोज एक मैसेज उनको दे दो, जो तुम्हें कुत्ते की तरह मैसेज करते, तुम्हें रिप्लाई नहीं करती। हाँ, एक मैसेज उनके लिए कोई दे दो बस। बंदा तू कमाल का है मगर ये मुंह उठाकर हर किसी पर यकीन मत किया कर। वाह 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 वाह, दिस इज अ मैसेज टू एवरीवन। या या, और मुंह कौन सा आपने, ये वाला मुंह बोला या मुंह उठा के? इंसान के दो मुंह होते, वाला मुंह बोला। भाई आप शो अच्छा लगा हो तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।